हेलो फ्रेंड्स, वन प्लस बुलेट्स जेड वन बेस एडिशन के बाद हम तैयार हैं नए एडिशन जेड टू के रिव्यू के लिए, जिसमें आज हम कनेक्ट करेंगे जेड टू को लैपटॉप के साथ। इसके लिए हमारे पास तैयार है हमारा जेड टू वन प्लस ब्लूटूथ। अब इसको हम ओपन करेंगे। अब हम दोनों बुलेट्स को अलग अलग कर देंगे ताकि ये ऑन हो जाए। अब इसके बाद में जैसे हमारा ये वन प्लस ब्लूटूथ ऑन हो गया है, अब इसको कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर के इस वाले आइकन पर और इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे ऐड ए ब्लूटूथ डिवाइस, जिससे हम अपना वन प्लस बुलेट्स इस पे ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में जो ऊपर की तरफ आइकन आ रहा है ऐड डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ऑप्शन मांग रहा है कि यहाँ पे कौन सा हमें डिवाइस ऐड करना है। तो हमारे पास है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ हमारा जेड टू ऑन है, जिसके हमने दोनों बुलेट्स अलग अलग कर रखे हैं। अब ये हमारा यहाँ पे सर्च करेगा। सर्च करने में कई बार टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे नई डिवाइस है तो इसके बीच वाला जो बटन है प्लस और माइनस के वॉल्यूम के बीच में, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे ताकि ये ऑन हो जाए और ये यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। आप देखो जैसे ही उस पर क्लिक करा, यहाँ पे ये डिवाइस ऑन हो गई और इस पर क्लिक करके वन प्लस बुलेट्स जेड टू को हमने कनेक्ट कर लिया। ये देखो ये डिसकनेक्टेड, यदि हम करेंगे तो कनेक्टेड वॉइस म्यूजिक आ गया। अब इसको क्लोज करेंगे हम और देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड टू। ये ऐड नहीं होने का एक रीज़न है कि जब हम नया खरीदते हैं तो इसको यहाँ पे बीच वाले बटन को क्लिक करके हमें रखना होता है ऑन करने के लिए। ये ऑन नहीं होता है, हमें लैपटॉप या पीसी पे कनेक्ट करने के लिए इसको कनेक्ट करके दबा के रखना ही पड़ेगा ताकि ये ऑन हो जाए और कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज ये आपका सर्च ही नहीं करेगा। इसका क्या फंक्शन है ये तो अभी देखना पड़ेगा, पर ये एक तरीके से ये सिस्टम के लिए अभी ऑन होगा, अदरवाइज ये मोबाइल से तो कनेक्ट हो ही जाता था। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।